इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। मध्य प्रदेश के 48,000 कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट जाने, आया शानदार अपडेट जाने। MP न्यूज, हाई कोर्ट का आया फैसला। मध्य प्रदेश के 48,000 अस्थायी कर्मचारी होंगे नियमित। मार्च 3, 2024 मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी एवं अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट ने ये सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है और यह संपूर्ण कार्यवाही 120 दिनों के अंदर करने के निर्देश दिए गए हैं। 48,000 कर्मचारी होंगे नियमित। मध्य प्रदेश के 48,000 दैनिक वेतन भोगियों और अस्थायी कर्मियों को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हाई कोर्ट ने भी अस्थायी कर्मियों के लिए राहत भरी खबर दी है। हाई कोर्ट के फैसले अनुसार 10 साल को सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन भोगियों और अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमितीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन अफसरशाही और विवाद की पेच के चलते नियमित नहीं हो सके। लेकिन अब मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ का मानना है कि इस बार अफसरशाही अड़ंगा नहीं हो सकता है, मध्य प्रदेश सरकार को भी हाईकोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। ये सभी कर्मचारी होंगे नियमित। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार 120 दिनों के अंदर इस फैसले का पालन करना होगा और इन सभी विभागों के अस्थायी कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों को लाभ मिलेगा, जिसमें PHE, PW, जल संसाधन, वन, उद्यानिकी, आदिम जाति, नगरीय निकायों आदि के कर्मियों को नियमितीकरण का लाभ मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2006 में भी आदेश जारी किया था कि विभागों के पद खाली होने पर नियमित किया जाए, लेकिन अफसरशाही के चलते ऐसा नहीं हुआ और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने 200 से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर जल्द होगा फैसला। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार केंद्र के समान महंगाई भत्ता की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अंतरिम बजट में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का प्रावधान रखा है, लेकिन किस तारीख से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा यह आने वाले दिनों में पता चलेगा।